सभी को नमस्कार आज वास्तविक हम सभी की डॉक्टर अनिल काकोड़कर जी की बात सुनने की इच्छा थी लेकिन उनके घर पर कुछ तांत्रिक अवरोध हुआ और उसके कारण उनका भाषण सुनने में आज हम सभी अक्षम हैं उन्होंने सभी को आ, उनकी ओर से नमस्कार कहा है और मुझे विशेष रूप से कहा है कि आप सभी को नमस्कार बताइए और इसका कारण भी अवश्य बताइए इसलिए आज उनके स्थान पर मुझे यहां पर बात करने का अवसर मिल रहा है आप सभी को अपने इस व्याख्यान माला में मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का और आपको सादर अभिवादन भी करता हूँ ऐसे आयन मौके पर एक विषय मेरे मन में आया कि जिसकी बहुत प्रासंगिकता है वो विषय है जैसे आपको विदित है सर पैट्रिक गिड़ेस के बारे में उनके कार्य की प्रासंगिकता उनके विचार की प्रासंगिकता इसके बारे में कुछ विचार मैं आपके सामने रखने वाला हूं एक औचित्य भी इसका ऐसा है कि पैट्रिक गिड़ेश जी का जन्म दो अक्टूबर अठारह स्कॉटलैंड में हुआ हम सब जानते हैं कि हम सभी के लिए भारत में दो अक्टूबर यानी महात्मा गांधी जी का जन्मदिन ये उनका जन्मदिन जैसे हम सभी के लिए ज्ञात है लेकिन एक संयोग ऐसा है कि 17 अप्रैल 1932 यानी कल का दिन उनके मृत्यु का दिन है और संयोग से आज इस विषय पर बात करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है इसलिए उनका बहुत विनम्रता से मैं स्मरण कर रहा हूं और एक विशेष बात ऐसी है कि पैट्रिक गिडेस एक बहुत बड़े पर्यावरण के संबंध में काम करने वाले ऐसे एक विद्वान वैज्ञानिक थे और हम सब जानते होंगे कि 22 अप्रैल ये अर्थ डे होता है वास्तविक आज के विषय की प्रासंगिकता 22 अप्रैल को अधिक अच्छी रही थी लेकिन आज ऐन मौके पर ये अचानक विषय आया है तो आज 22 अप्रैल के पूर्व ही कुछ पर्यावरण के संबंधित पैट्रिक गिरी जी के विचार क्या थे उसके बारे में मैं आपके सामने कुछ विषय प्रस्तुत करूंगा जैसे मैंने उल्लेख किया कि अठारह में दो अक्टूबर को उनका जन्म हुआ स्कॉटलैंड में स्कॉटलैंड एक ग्रेट ब्रिटेन का भाग है तो वहां पर बचपन से ही उनका प्रकृति के साथ एक बहुत ही बड़ा रिश्ता तैयार हो गया और आगे चलकर थॉमस हक्सले जो एक बहुत बड़े इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने चार्ल्स डार्विन के साथ काम किया उनके ये शिष्य बने और उनके साथ बॉटनी के अंदर उन्होंने काफी अच्छा अध्ययन शुरू किया ये थॉमस अक्सले के बारे में एक बड़ी विशेष बात हम सबको यहां ध्यान में रखनी है कि थॉमस अक्सले चार्ल्स डार्विन के समर्थक थे चार्ल्स डार्विन ने अठारह में ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इस नाम का एक ग्रंथ लिखकर अपना क्रम विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया विश्व के सामने उसके समर्थक के रूप में हक्सलेजी खड़े हो गए हक्सलेजी उस समय के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक माने जाते थे चार्ल्स डार्विन के क्रम विकास के सिद्धांत के प्रस्तुति के बाद एक बहुत बड़ा वैचारिक घमासान वैचारिक द्वंद्व पश्चिमी जगत में खड़ा हुआ और अगले ही वर्ष लंदन के अंदर एक सार्वजनिक स्तर पर एक बड़ी चर्चा संगोष्ठी के रूप में लंदन के अंदर आयोजित की गई जिसमें ईसाई धर्म के एक बड़े विद्वान विल्बर फोर्स और विज्ञान जगत के एक हस्ती स्नाते प्राध्यापक हस, हक्सले ये दोनों वहां आमने सामने आ गए हम सब जानते हैं कि पश्चिमी जगत में जो पांथिक आस्थाएं वहां पर है और उसके कारण जो मान्यता है, समाज के अंदर सैकड़ों साल से वहां पर स्थापित हो चुकी है उनके अनुसार एक प्रकार से क्रिएशन थियरी मानी जाती है ब्रह्मांड का निर्माण इस पूरे ब्रह्मांड जगत का निर्माण ईश्वर ने एक क्षण के अंदर किया क्रिएशन किया निर्माण किया इस प्रकार की एक कल्पना वहां पर जनमानस में स्थापित थी लेकिन चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो क्रम विकास का सिद्धांत वहां पर प्रस्तुत हुआ वो एक क्रम विकास का सिद्धांत था और उसमें स्वाभाविक ही मनुष्य का भी एक मूल प्राणी के अंदर है इस प्रकार की भी बात उस सिद्धांत के द्वारा सामने आई इसका बहुत ही बड़ा विरोध पश्चिमी जगत के अंदर हुआ और एक प्रकार से विज्ञान विरोधी वहां का पांथिक मत यानी रिलीजन इस प्रकार का एक संघर्ष वहां पर शुरू हुआ और इसी संघर्ष का एक सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण इस आयोजन के द्वारा आज हम इतिहास में देख सकते हैं सैम्युअल फोर्स उनके विरोध में हक्सले वैज्ञानिक और इस विवाद में जो एक प्रकार की सार्वजनिक रूप से बात सबके सामने आई उसमें हक्सले विजयी हो गए यानी विज्ञान का विजय हो गया और उसके बाद थॉमस हक्सले ये चार्ल्स डार्विन के ही वाज पॉपुलरली नोन एज डॉग ऑफ डार्विन सो सर्कैस्टिकली पीपल यूज टू कॉल हिम एज डॉग ऑफ डार्विन बिकॉज ही यूज टू सपोर्ट द थियरी ऑफ डार्विन ऑफ इवोल्यूशन और उन्हीं के ये पैट्रिक गिडेस शिष्य थे लेकिन पैट्रिक गिडेस इनके मन में एक बहुत बड़ा विषय एक अलग प्रकार से आया था जिसको हम एक इसी क्रम विकास सिद्धांत की एक अलग धारा मान सकते हैं जैसे डार्विन के द्वारा इस क्रम विकास सिद्धांत के द्वारा एक बात सामने आई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इस प्रकार की दो तत्व बातें सिद्धांत के रूप में सामने आई लेकिन पैट्रिक गिडेस ये भी एक बड़े आगे चलकर रिवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बने और उनका जो इस प्रकृति का निरीक्षण था उसके द्वारा उन्होंने एक और तत्व सामने रखा वो ऐसा था कि वी आई कैन ऑब्जर्व नॉट स्ट्रगल नॉट अ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन इन नेचर, नेचर बट व्हाट आई कैन सी इज कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो एक प्रकार की uh, इस क्रम विकास के सिद्धांत में एक छोटी सी अलग धारा पैट्रिक गिडेस उनके समर्थक थे हक्सले के मन में भी इस प्रकार की बात थी कि केवल एक प्रकृति के अंदर संघर्ष नहीं चलता आपस में तो प्रकृति के अनेक घटक आपस में समन्वय करते हुए आपस में सहयोग करते हुए अपना विकास साध्य करते हैं इस प्रकार की एक कल्पना, एक क्रम विकास के सिद्धांत की एक अलग धारा इस नाते वहां पर सामने आई और पैट्रिक गेडेस इसका पुरजोर समर्थन करते थे और इसके बारे में उनका चार्ल्स डार्विन के साथ कई बार एक प्रकार से वार्तालाप भी हुआ और अंत में एक ऐसी बात उनके पत्र व्यवहार आपस में जो डार्विन और पैट्रिक गिडेस के बीच में हुआ उसमें ध्यान में ऐसे आया कि डार्विन ने भी इस बात की अच्छी सराहना की कि गिडेस एक बहुत ही अच्छी इस प्रकार की बात को लेकर आगे बढ़ रहे तो यह बहुत ही एक विशेष बात उस समय थी इसी के चलते आगे पैट्रिक गिडेस जी का एक ऐसा मानना था कि इस पूरे क्रम विकास के अंदर इवोल्यूशन ऑफ सेक्स इसका एक बहुत बड़ा चरण आता है अंग्रेजी में जिसको कहते हैं कि ही यूज टू से देर इज अ ग्रेट फेज इन दिस थियोरी ऑफ इवोल्यूशन और इन दिस इवोल्यूशनरी प्रोसेस दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ सेक्स और पैट्रिक गिडेस ने इस पर बहुत बड़ा अध्ययन किया और अठारह में 1889 में उन्होंने अपने एक सहयोगी के साथ इवोल्यूशन ऑफ सेक्स इस शीर्षक जिसका था ऐसा एक ग्रंथ उस समय उन्होंने प्रकाशित किया और शायद मेरी जितनी जानकारी है आज इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के क्षेत्र में आज भी इस पुस्तक की बड़ी मान्यता है उसके द्वारा जो विचार सामने आए उसकी बड़ी मान्यता आज इसको प्राप्त है तो पैट्रिक गिडेस एक प्रकार से इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे वैसे वो सस्य शास्त्र वनस्पति शास्त्र यानी बॉटनी के बड़े ज्ञाता और विद्वान थे और 1880 से उन्होंने वहां पर एक एडिनबर्गो विश्वविद्यालय में जो स्कॉटलैंड का एक बहुत बड़ा एक प्रसिद्ध इस, इस प्रकार का विश्वविद्यालय है जहां पर अपने देश के एक बड़े सुपुत्र वैज्ञानिक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय पढ़ाई के लिए गए थे तो उसी में पैट्रिक गिडेज 1880 से लेकर आगे बहुत समय तक बॉटनी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इस नाते वहां विश्वविद्यालय में कार्यरत थे लेकिन उस समय की परिस्थिति में और एक बात ध्यान में आती है कि उस समय इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ये भी बड़ी मात्रा में वहां पर चल रहा था और हम सब जानते हैं कि आज पर्यावरण की जो जितनी सारी समस्या जलवायु परिवर्तन की समस्या आई है उसके पीछे एक इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकीकरण एक बहुत बड़ा उसका एक उस संकट का एक मूल कारण ऐसे माना जाता है और ऐसे आज मान्यता भी है कि अगर जो एक प्रकार का तापमान में वृद्धि होने का एक सिलसिला हम देख रहे हैं लगभग डेढ़ डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान में वृद्धि का आज अनुभव हम कर रहे अगर वापिस हमें उस ठीक स्थिति में जाना है इस पर्यावरण को और पूरे इस सृष्टि को ले जाना है तो लोग ऐसा विचार कर रहे हैं कि डेढ़ सौ साल पहले यानी औद्योगिक क्रांति शुरू होने के पूर्व में जो तापमान था वहां हमें वापिस जाना पड़ेगा तो इस प्रकार की एक विशेष बात उसमें सामने आती है तो इंग्लैंड में यह शुरू हुआ और उसी समय इंग्लैंड में एक ऐसे विद्वानों का एक समूह था जिनको ध्यान में आया कि ये भविष्य के अंदर इन उद्योगों के कारण एक अलग प्रकार की परिस्थिति निर्माण होने वाली है और जिसका सामना हमें करना पड़ेगा उसमें पैट्रिक गिडेस जो सस्य शास्त्र के बॉटनी के बहुत बड़े विद्वान थे वो इसमें सबसे आगे थे क्योंकि उनका ऐसे मानना था ये पूरे सृष्टि के अंदर जो हरियाली है उसके कारण मनुष्य मात्र और प्राणी मात्र का जीवन चलता है इस प्रकार की उनकी बड़ी मान्यता थी और इस बात को लेकर वो हमेशा चिंतित रहते थे कि सृष्टि के अंदर जो हरियाली है उसको बचाना चाहिए उसकी रक्षा करनी चाहिए अगर वो ठीक प्रकार से हरियाली रही तो मनुष्य मात्र प्राणी मात्र का जीवन इस सृष्टि पर बहुत ही अच्छे प्रकार से चल सकता है तो जहां पर एडिनबर्ग में यह भी एक सारी बात औद्योगिकीकरण की पहुंची और उसके साथ-साथ आज भी वर्तमान परिस्थिति में अपने देश में माइग्रेशन ये जो स्थलांतरण हो रहा है उसके बारे में बड़ी चर्चा चल रही है तो उस समय वहां पर भी इंग्लैंड के अंदर इस प्रकार की एक स्थलांतरण की बात सामने आ रही थी और एडिनबर्ग में जिस प्रकार का उद्योग प्रारंभ हुआ तो इंग्लैंड के कोने-कोने से मजदूर इस नाते काम करने वाले लोग वहां एडिनबर्ग में आने लगे और एक प्रकार से एक सामान्य रोज का वेतन लेकर वो काम करते थे इसलिए आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी तो एडिनबर्ग के अंदर इनकी एक झुग्गी वहां पर विकसित हो गई असलम गॉट डेवलप्ड इन दैट ब्यूटीफुल सिटी ऑफ एडिनबर्ग और धीरे धीरे इस झुग्गी का विकास जैसे बढ़ता गया और उससे इस पूरे एक सुंदर शहर को एक विद्रूपता आ गई और पैट्रिक ग्रिडस ने यह भी अनुभव किया कि यहां पर जो हरियाली है वो भी धीरे-धीरे नष्ट हो रही है तो इस प्रकार की सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वो तो एक बड़े केवल बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले विद्वान नहीं थे तो ही यूज्ड टू एक्चुअली ही वाज अ मैन ऑफ एक्शन एंड ही ही यूज्ड टू ट्रांसलेट हिज आइडियाज थ्योरीज इन प्रैक्टिस सो ही वाज अ मैन हु यूज्ड टू ट्रांसलेट थ्योरीज इनटू प्रैक्टिस so so he 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 was a man of action, so he thought that he should find out some solution मैन ऑफ एक्शन development of this beautiful city of Edinburgh. तो उन्होंने एक विचार ऐसे किया कि लोगों के साथ जाकर कुछ चर्चा करनी चाहिए और जैसे मैंने बताया कि इस पूरे क्रम विकास के सिद्धांत में उनकी मान्यता थी कि एक समन्वय और सहयोग ये इस सूर्य पूरे सृष्टि के विकास का आधार है इस सृष्टि के सारे घटक अपने अंदर एक समन्वय की भूमिका रखकर अपना विकास कर लेते हैं तो पैट्रिक गिडेस इसी प्रकार का विचार करते हुए यहाँ पर जो झुग्गियों में रहने वाले आर्थिक स्थिति जिनकी बड़ी सामान्य थी ऐसे लोगों के साथ जाकर कुछ वार्तालाप करने लगे और उनके साथ बैठकर इस पूरे शहर को सुंदर कैसे वापस बनाया जा सकता है इसके बारे में चर्चा उन्होंने शुरू की तो उस चर्चा के अंदर एक विषय ऐसे सामने आया उनको कि ऐसे सारे लोगों की सहभागिता करते हुए एक योजना बनानी चाहिए तो एडिनबर्ग के अंदर उन्होंने एक स्तंभ का निर्माण किया उसको आउटलुक टॉवर ऐसा माना जाता है और आधुनिक विज्ञान के इतिहास में इस आउटलुक टॉवर की एक बहुत बड़ी मान्यता है उसका एक विशेष कारण ऐसा रहा कि एक आउटलुक टॉवर शहर के मध्य में पैट्रिक जी ने खड़ा किया और उसकी विशेषता ये थी शहर के मध्य में वो स्तंभ होने के कारण उसके छत पर यानी सबसे ऊपर मंजिल जो था वहां जाने पर पूरे शहर का एक विहंगम दृश्य वहां से नजर में आता था पीपल यूज टू गेट द आई व्यू ऑफ एंटायर सिटी फ्रॉम दैट टेरेस ऑफ दैट टॉवर सो ही यूज टू टेक पीपल ऑफ दैट सिटी टू दैट टेरेस ऑफ दैट टॉवर एंड ही टू डिस्कस विद देम प्लान ऑफ ब्यूटिफिकेशन ऑफ दैट एंटायर सिटी और लोगों को साथ में लेकर वो एक प्रकार की चर्चा करते थे एक प्रकार का विचार विमर्श करते थे और उन्हीं के साथ एक योजना बनाते थे इसका नाम भी उन्होंने बहा बहुत सुंदर रखा था आउटलुक टॉवर यानी लोगों की दृष्टि क्या है इसके बारे में वो लोगों के अंदर एक चिंतन खड़ा करना चाहते थे और उसी स्तंभ के निचले स्तर पर निचले मंजिल पर उन्होंने कक्ष तैयार किया था उसका नाम उन्होंने रखा था इनवर्ड काइंड ऑफ रूम तो वहां पर आउटलुक टॉवर ऊपर छत से वो सबको दिखाते थे कि कैसे शहर है कैसा शहर विद्रूप बन गया और उसको ठीक करने के लिए आपकी बस्ती में हम मिलकर क्या कर सकते हैं और ऐसी चर्चा करने के बाद फिर नीचे आते थे और ये जो इनवर्ड लुकिंग काइंड ऑफ रूम वॉज देयर देर टू सिट विद पीपल एंड ही प्लान And how हाउ टू एक्टिवेट plan with विद help ऑफ people रिसाइडिंग इन that पर्टिकुलर locality और ये सारा करने के बाद वो अपने लोगों के साथ प्रत्यक्ष वहां जाकर मैदान में जाकर उस बस्ती में जाकर उनके साथ सब प्रकार की बातें करते थे आज जैसे हम अपने देश में एक स्वच्छता का अभियान चलाते हैं घरों को ठीक करना उनको एक सुंदरता प्रदान करना ऐसी कई प्रकार की बातें पैट्रिक गिडेस ने वहां के सारे लोगों को साथ में लेकर की और बहुत ही थोड़े अवधि के अंदर ये एडिनबर्ग ये जो एक शहर था जो उद्योगों के कारण विद्रोह बनने लगा था वो उद्योगों को रहते हुए भी वहां पर एक सुंदर इस प्रकार का शहर बन गया और एक बड़े बड़ी मजेदार बात इसमें से ये सामने आई पैट्रिक गिडेस ने ऐसे कहा कि ये जो आउटलुक टॉवर है दैट इज नथिंग बट एन एक्सप्रेशन ऑफ सोशल साइंटिफिक आइडिया यानी उनकी मान्यता ऐसी थी कि ये पैट्रिक गिडेस के द्वारा खड़ा किया गया जो आउटलुक टॉवर है वो क्या है तो सोशल बात उन्होंने सबके सामने रखी वो ऐसा कहते थे कि वॉट इज सोशल साइंस आजकल ये सोशल साइंस शब्द बड़ा प्रचलित है लेकिन पैट्रिक गिडेस के मन में सोशल साइंस की कल्पना ये थी कि विज्ञान के जो तत्व है वो लोगों के साथ प्रत्यक्ष बांटते हुए लोगों को इस प्रक्रिया में सहभागी करते हुए इस पर्यावरण को ठीक करना अंग्रेजी में जिसको कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू हिम डेफिनेशन ऑफ सोशल साइंस वॉज मैं इंटरक्शन विथ एनवायरमेंट थ्रू सर्टन प्रोसेस इस प्रकार की कल्पना उनकी थी तो उन्होंने सोशल साइंस का इस प्रकार का एक एक बड़ा विचार उसका करते हुए इस परिभाषा को प्रस्तुत किया और आज विश्व में मान्यता है कि दैट आउटलुक टॉवर इज फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ सोशल साइंस इन दिस वर्ल्ड तो हम जान सकते हैं समझ सकते हैं कि पैट्रिक गिडेस एक प्रकार से ये जो उन्होंने अपने शहर को सुंदर करने का प्रयास किया उसके कारण एक नई धारा का वहां पर प्रारंभ कर गए वो यानी सोशल साइंस का प्रत्यक्ष प्रायोगिक रूप तो आज भी हम पूरे विश्व में मान्यता है कि पैट्रिक गिडेस एक ऐसे वैज्ञानिक है जो विज्ञान के साथ साथ सोशल साइंटिस्ट बन गए यानी सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने अपना पैर रखा और आज भी लोग उनको एक बड़ा सोशल साइंटिस्ट इस नाते भी जानते हैं लेकिन और एक बात आपके सभी के ध्यान में आई होगी कि पैट्रिक गिडेस ने उनकी जो वनस्पति विज्ञान की कल्पना थी और उसके साथ साथ क्रम विकास के सिद्धांतों की जो बात थी और उसमें उनके लिए जो बड़ा विशेष उनका आग्रह था कि इस प्रकृति के अंदर समन्वय है इस बात को प्रत्यक्ष एक और पद्धति से प्रयोग के स्तर पर प्रत्यक्ष समाज जीवन में लाया वो क्या था तो उन्होंने इस अपने सारे विचार के द्वारा उस शहर का स्वरूप बदल दिया और उसके कारण पैट्रिक गिडेस और एक तीसरा विषय उनके साथ जो जुड़ता है वो है कि वो एक टाउन प्लानर बन गए और आज विश्व में यह मान्यता है कि विश्व के सबसे बड़े टाउन प्लानर इस नाते पैट्रिक गिडेस की ओर देखा जाता है तो एक ही काम में पैट्रिक गिडेस केवल वनस्पति वैज्ञानिक न रहे तो उसके साथ साथ वो सामाजिक वैज्ञानिक भी हो गए और उसके साथ साथ नगर नियोजन के बारे में भी एक बहुत बड़ा अनुभव उन्होंने इस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया और आगे चलकर विश्व में नगर नियोजन के सबसे प्रसिद्ध इस प्रकार के नगर नियोजन वो विश्व में प्रसिद्ध हो गए तो इस अपने ही शहर में रहते हुए इस प्रकार का जो काम उन्होंने किया वो सबके लिए बहुत ही बड़ा प्रशंसनीय और अनुकरणीय इस प्रकार का काम था इसके आगे उन्होंने ये जो सारा प्रयोग किया वो इंग्लैंड में ग्रेट ब्रिटेन में अपने अनेक सहयोगियों को बताया और सबको ये ध्यान में भी आया कि इस औद्योगिकरण के चलते एक प्रकार की गंदगी एक प्रकार के शहरों का विद्रुपीकरण जैसे हम जानते हैं कि लंदन में भी आज जैसे हम गंगा की सफाई की बात करते हैं उस समय वहां पर लंदन के जिस नदी के तट पर लंदन है ऐसे उस नदी में थेम्स में भी वहां पर यही समस्या आई थी और उसको भी उसकी सफाई करने के लिए भी बड़े प्रयास प्रारंभ हो चुके थे तो पैट्रिक गिडेस का एडिनबर्ग का ये प्रयोग पूरे ग्रेट ब्रिटेन में फैल गया और उसके एक बड़े विशेषज्ञ वो बन गए और उसमें एक बड़ी बात ऐसी हुई कि अपने देश में उस समय अंग्रेजों का राज था और यहाँ पर एक बड़े मद्रास इलाका जो था यानी अपने देश का दक्षिण हिस्सा वहाँ के जो गवर्नर थे वो लंदन में किसी काम के लिए गए थे और वहाँ पर उन्होंने पैट्रिक गिडेस के द्वारा शहरों को सुंदर कैसे बनाया जा सकता है उनका नियोजन कैसे करते हैं कि जिसका प्रकृति के साथ एक समन्वय बिठाना बहुत ही संभव हो सकता है ये जो सारी बात थी और उसके लिए जो उन्होंने एक बड़ी प्रदर्शनी बनाई थी अपने हाथ से वो प्रदर्शनी और उसके साथ साथ उनका व्याख्यान इस प्रकार का जो कार्यक्रम लंदन में आयोजित हुआ था उसमें सम्मिलित होने का एक अवसर उस समय के मद्रास प्रोविंस के जो गवर्नर जनरल थे उनको मिल गया और वो बड़े सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने पैट्रिक गिडेस को यहाँ भारत में आमंत्रित किया क्योंकि भारत में भी उस समय अंग्रेजों का शासन यहाँ पर स्थापित हो चुका था उसको एक स्थिरता प्राप्त हुई थी और अंग्रेज भी यहां पर नए नए शहरों का निर्माण करना चाहते थे अपनी दृष्टि से तो स्वाभाविक ही अंग्रेजों ने यह सोचा कि ऐसे हमने करना चाहिए इसके बीच में और एक विशेष बात इस वर्ष की मैं आपको बताना चाहूंगा इस बात को यहीं पर छोड़ते हुए फिर इस बिंदु पर हम वापिस आएंगे लेकिन और एक इस बिंदु का एक विशेष महत्व ध्यान में लाने के लिए और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ पैट्रिक गिडेस उन्नीस ये जो एक शतक का बदल जहाँ पर हो गया यानी उन्नीस सौ उन्नीसवीं सति से बीसवीं शती में जब पूरे विश्व ने प्रवेश किया उस समय इस वर्ष के प्रारंभ में पैट्रिक गिडेस किसी कारणवश अमेरिका गए थे और वहां पर उसी समय स्वामी विवेकानंद उनका दूसरा एक चरण उनके पश्चिमी जगत की यात्रा का वहां पर चल रहा था और आप सब जानते होंगे कि अठारह जनवरी मास में उनकी एक बड़ी शिष्या जिसका नाम मार्गारेट नोबल था इंग्लैंड की वो भी मूलतः वहां की स्कॉटिश थी वो यहाँ पर आई थी और यहाँ कुछ समय रहकर स्वामी जी के साथ ये जो उनका पश्चिमी जगत में यात्रा का दूसरा चरण था स्वामी जी के साथ वहां पर अमेरिका पहुंची थी वहां पर इनका पैट्रिक गिडेस के साथ परिचय हो गया और पैट्रिक गिडेस ने जो कुछ एक अपनी बातें विचार अपने जो प्रयोग उनके हुए थे उसकी जो सामने रखी उसके कारण स्वामी विवेकानंद भगिनी निवेदिता और पैट्रिक गिडेस की आपस में कुछ चर्चा हुई और विशेष रूप से निवेदिता को कई नई सारी बातें पैट्रिक गिडेस के द्वारा सीखने मिली भगिनी निवेदिता ने उसका बड़ा उल्लेख अन्य अलग अलग स्थानों पर किया है उसी समय और एक विशेष बात पेरिस में होने वाली थी और पैट्रिक गिडेस उसके मुख्य आयोजन करता थे वो वो कार्यक्रम था कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ साइंस इस प्रकार की एक कल्पना पैट्रिक गिडेस ने की थी और पेरिस के अंदर इस वर्ष के अंत के समय में एक विशाल संगोष्ठी का आयोजन पैट्रिक गिडेश जी के द्वारा होने वाला था उसके वो प्रमुख आयोज आयोजक थे और इस परिचय के बाद उन्होंने भगिनी निवेदिता को उस आयोजन में भगिनी निवेदिता को सहयोग करने की एक प्रार्थना की और स्वामी जी के द्वारा जब अनुमति मिल गई तब भगिनी निवेदिता ने पैट्रिक गिडेस को सहयोग देना मान्य किया स्वीकृत किया और पैट्रिक गिडेस जी के साथ वो कुछ समय तक पेरिस में रही वहां पर और एक विशेष बात हुई कि पैट्रिक गिडेस और भगिनी निवेदिता के बीच में जो संवाद हुआ उसमें से और एक बात पैट्रिक गिडेस के ध्यान में आई कि भारत के अंदर एक आचार्य जगदीश चंद्र बोस ऐसे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक है और उन्होंने एक बहुत बड़ा विशेष काम किया है यहाँ पर आप सभी को जानकारी तो स्वाभाविक होगी लेकिन मैं एक बात दोहराना चाहता हूं कि अठारह में जगदीश चंद्र बस्सू ने जैसे वो वहां पर भौतिकी पढ़ाते थे उन्होंने विचार ये किया कि मैं अनुसंधान करना प्रारंभ करूंगा और अठारह में उन्होंने उस समय जो एक बहुत बड़ा विषय था कि विद्युत चुंबकीय तरंग उसकी सैद्धांतिक बात तो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के द्वारा रखी गई थी लेकिन जगदीश चंद्र बसु ने उस समय का जो एक बहुत बड़ा एक आह्वानात्मक चुनौती भरा एक काम था कि प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रत्यक्ष अनुभूति सभी ने ली नहीं थी। तो जगदीश चंद्र ने वो एक चुनौती भरा काम अपने हाथ में लिया और केवल एक ही साल के अंदर कोलकाता में अपनी एक छोटे से कक्ष में जो प्रयोगशाला बनाई थी उसमें उन्होंने इस प्रकार के तरंग तैयार किए इतना ही नहीं तो इन तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा गया बिना तार के तो विश्व का बेतार संदेश वन का पहला अविष्कार जगदीश चंद्र बसु के द्वारा हुआ और ये सारी बातें उन्होंने अपने गुरु को लिखी जो लॉर्ड रैले इंग्लैंड में थे जिनको 1907 का नोबेल पुरस्कार मिला तो लॉर्ड रैले ने अपने इस शिष्य को इंग्लैंड में बुलाया उन्नीस में और रॉयल सोसाइटी में जगदीश चंद्र बसु ने अपने इस अविष्कार की प्रस्तुति की और अठारह में निवेदिता जी यहाँ पर आई और स्वामी जी ने उनको बताया था कि महिलाओं की शिक्षा इस क्षेत्र में आपको काम करना है तो कोलकाता में निवेदिता जी ने इस काम का प्रारंभ किया और शायद आप सभी को जानकारी होगी कि आचार्य जगदीश चंद्र बसु की पत्नी श्रीमती अबला बसु वो भी इसी काम में लगी थी और ये दोनों का समान कार्यक्षेत्र होने के कारण अबला बसु जी और भगिनी निवेदिता का परिचय आपस में हुआ और भगिनी निवेदिता का परिचय होने के बाद अबला बसु जी से जगदीश चंद्र बसु के बारे में भी एक बहुत सारी अच्छी जानकारी भगीनी निवेदिता को प्राप्त हुई और उसके बाद दोनों की जो एक आपस में स्नेह इतना बढ़ गया कि आप सब शायद जानते होंगे कि कई प्रकार के अच्छे सारे विचार उसके बाद आए और भगिनी निवेदिता ने आचार्य जगदीश चंद्र बसु के लिए वैज्ञानिक लेखन प्रारंभ किया और ये जो मैंने जिस बेतार संदेश वहन का प्रयोग उस जिसके जिसका उल्लेख मैंने किया उसमें एक जगदीश चंद्र बसु को विशेष बात ध्यान में आई कि जिसको हम जड़ पदार्थ मानते हैं उसके अंदर भी एक चेतना है यह बात इस प्रयोग में जब बेतार संदेश वहन का प्रयोग चल रहा था तो उनके ध्यान में आई कि इवन मेटल्स डू हैव कॉन्शियसनेस सो लाइफ इज देयर एवरीवेयर In this great universe, whatever exists over here, there is a kind of consciousness or life we can see. So, according to Jagdish Chandra Bose, he postulated a kind of theory and he said, "You cannot divide creation over here in this universe in two categories: sentient and insentient, or living or non-living. You just can't do that because life exists in every form of creation." इस प्रकार की बात उन्होंने सिद्धांत के रूप में सामने रखी थी और जैसे हम जानते हैं कि आ, मैंने बताया कि स्वामी जी का एक बहुत बड़ा मौलिक सिद्धांत था कि इस पूरे जगत के अंदर एकत्व है तो science is nothing but finding of unity, इस प्रकार की कल्पना स्वामी विवेकानंद जी ने सामने रखी थी और उसकी ही एक प्रकार से पुष्टि इस जगदीश चंद्र बसु के प्रयोगों के द्वारा हुई तो एक बहुत बड़ा एक संयोग था और ये सारी बातें जब वनस्पति के ऊपर भी जगदीश चंद्र बसु ने इस प्रकार के प्रयोग किए तो मनुष्य वनस्पति जगत और जिनको हम जड़ जगत मानते हैं के अंदर एक समानता है सभी के अंदर एक चेतना है इस प्रकार का बड़ा सिद्धांत और प्रयोग के द्वारा उसकी पुष्टि जगदीश चंद्र बसु के द्वारा की गई और इसको लेकर स्वामी विवेकानंद भी बड़े आनंदित थे और यही बात वनस्पति के अंदर भी चेतना है इस प्रकार की बात एक वैज्ञानिक के द्वारा प्रयोगों के द्वारा सामने रखी गई है ये जब बात सामने भगनी के द्वारा पैट्रिक गिडेश जगदीश चंद्र बसु को पेरिस के इस संगोष्ठी में आमंत्रित किया और जगदीश चंद्र बसु ने ये जो अपना मौलिक सिद्धांत है उसका फिर एक बार प्रात्यक्षिक प्रयोग वहां पर पेरिस में वहां पर जितने सारे पूरे विश्व के वैज्ञानिक आए थे वहां पर प्रस्तुति की और सभी से एक प्रकार की एक पुष्टि इस प्रयोग के लिए ली लेकिन पश्चिमी जगत में उस समय माइंड एंड मैटर इनके बीच में बड़ा एक द्वंद्व था पीपल वे आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट दैट बोथ आर यूनिक इन नेचर देर देर आर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज एंड देर इज अ यूनिटी इन दीज टू एपरटली डिफरेंट थिंग्स ऑब्जेक्ट्स तो इस प्रकार की वहाँ पर चर्चा चल रही थी द्वंद्व चल रहा था और जगदीश चंद्र बसु एक ऐसे वैज्ञानिक थे कि प्रयोग आधुनिक विज्ञान के पटल पर उन्होंने प्रस्तुत किए थे पैट्रिक गिडेज जो स्वयं एक सस्य वनस्पति विज्ञान के बहुत बड़े विद्वान थे वो इस बात को लेकर आकर्षित हुए और उन्होंने जगदीश चंद्र बसु को वहां पर बुलाया जगदीश चंद्र बसु ने अपने सारी बातों की वहां पर प्रस्तुति की और सारे लोग बड़े आनंदित हुए कि इस प्रकार का एक वहां पर स्थापित हमें जैसे मैंने वहां पर चेन्नई मद्रास प्रोविंस के गवर्नर की बात की जिन्होंने पैट्रिक गिडेस को यहाँ आमंत्रित किया तो एक विशेष बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पैट्रिक गिडेस का भगिनी निवेदिता के कारण जगदीश चंद्र बसु के साथ जो परिचय हुआ उसकी उसका भी परिवर्तन उनकी मित्रता में हुआ और आगे चलकर वो दोनों एक दूसरे के अभिन्न मित्र बन गए और उसकी एक बहुत बड़ी विशेष बात यह है कि पैट्रिक गिडेस जब भारत में आए 1914 में और लगभग 10 साल वो भारत में रहे तो 1920 में पैट्रिक गिडेस ने जगदीश चंद्र बसु के जीते जी उनकी जीवनी लिखी यू कैन अंडरस्टैंड रेयर मोस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया तो हम समझ सकते हैं पैट्रिक गिडेस जगदीश चंद्र बसु से पांच साल आयु में बड़े थे क्योंकि जगदीश चंद्र बसु का जन्मदिन है तीस नवंबर अठारह सो उनसठीन फिफ्टी नाइन और पैट्रिक गिडेस का जन्मदिन है दो अक्टूबर अठारह सौ तो आप समझ सकते हैं कि और वो भी एक बड़े मान्यता प्राप्त विद्वान थे विज्ञान जगत के और उन्होंने जगदीश चंद्र बसु के अनुसंधान कार्य और उनके द्वारा किए गए आविष्कारों को ध्यान में रखते हुए जगदीश चंद्र बसु की पहली बार जीवनी किसने लिखी है तो पैट्रिक गिडेश जी ने लिखी है तो हम समझ सकते हैं कि पैट्रिक गिडेस का अपने देश के लिए भी कितना बड़ा योगदान है भारत का जो आधुनिक विज्ञान में सर्वप्रथम वैज्ञानिक जो माना जाता है ऐसे वैज्ञानिक की जीवनी लिखने का काम बराबर सौ वर्ष पहले पैट्रिक गिडेस जी के द्वारा हुआ था तो ये वर्ष हम सभी के लिए एक बड़ा मौलिक वर्ष है हम इसके बारे में एक कार्यक्रम भी जरूर कर सकते हैं कि पैट्रिक गिडेस ने इस जीवनी को लिखकर इस वर्ष सौ वर्ष पूरे हो रहे और ये हम सभी के लिए बहुत ही बड़ी गर्व और गौरव की बात है तो इसको भी इस समय हमने ध्यान में रखना चाहिए तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि भारत में जब पैट्रिक गिडेस उन्नीस में आए तो वो केवल भारत के लिए नए नहीं थे लेकिन प्रथम बार वो भारत में आ रहे थे और जैसे मैंने जिसका उल्लेख किया कि जो जो लॉर्ड पेंटलैंड थे वहां पर मद्रास प्रोविंस में वहां के गवर्नर थे उन्होंने पैट्रिक गिडेस को आमंत्रित किया तो पैट्रिक गिडेस 1914 में इंग्लैंड से निकले और उन्होंने अपनी प्रदर्शनी भी साथ में ली थी लेकिन हम सब जानते हैं कि उसी समय प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ और उस समय समुद्री मार्ग से भारत की ओर आना था लेकिन पैट्रिक गिडेस के जहाज को कुछ संकट का सामना करना पड़ा जिस प्रदर्शनी को लेकर आ रहे थे वो सारी प्रदर्शनी जिस जहाज में वो बैठे थे वो डूब गया वो सुरक्षित रहे उनको वो दूसरे जहाज पर चले गए और प्रदर्शनी तो नष्ट हो गई लेकिन पैट्रिक गिडेस बहुत ही अच्छी पद्धति से भारत में लौट गए लेकिन उनके मन में दुख ये था कि मैं भारतवासियों को नगर नियोजन के बारे में जो प्रदर्शनी बनाई है उसको मैं नहीं दिखा पाऊंगा लेकिन उनके वहां पर मद्रास के अंदर कुछ अच्छे व्याख्यान हो गए और उस समय मुंबई में भी वहाँ के जो गवर्नर थे उन्होंने उनको आमंत्रित किया और हम सब जानते कि अठारह में मुंबई विश्वविद्यालय का प्रारंभ हुआ था और वहां पर सर सेटल वार्ड उस समय मुंबई विश्वविद्यालय के कुलपति थे तो उन्होंने पैट्रिक गिडेस को विशेष रूप से आमंत्रित किया क्योंकि उस समय मुंबई के अंदर भी एक नगर नियोजन की बात चल रही थी मुंबई को भी एक सुंदर नगरी माना जाता था जो समुद्र के तट पर द्वीप के रूप में है तो उसका भी नियोजन करना था तो पैट्रिक गिडेस वहां पर जा चुके और पैट्रिक गिडेस ने वहां पर मुंबई के नगर नियोजन के बारे में पांच व्याख्यान दिए और उसमें उन्होंने जो अपनी सोशल साइंस की कल्पना थी आउटलुक टॉवर का प्रयोग था वो भी सारा बताया और उसके कारण ये सेटल जी जो वहां के कुलपति थे वो बहुत प्रभावित हुए और वहाँ के जो महापौर थे और वहाँ के जो सारे अधिकारी थे ब्रिटिश राज के वो भी प्रभावित थे और पैट्रिक गिडेस को मुंबई के नगर नियोजन में भी कुछ योगदान देने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया तो इस प्रकार से पैट्रिक गिडेस का एक बहुत ही सुंदर परिचय भारतवासियों को हुआ और पैट्रिक गिडेस बहुत ही एक प्रकार के यात्री थे वो उत्सुक रहते थे, थे कि जहां पर वो जाते थे वहां के लोगों के साथ मिलना उनकी संस्कृति के बारे में जानकारी लेना तो इस प्रकार की सारी बातें तो उन्होंने भारत की एक यात्रा लगभग डेढ़ वर्ष में पूरी की और अलग अलग स्थानों पर वहां उनका परिचय हुआ जैसे शायद आप जानते होंगे पता नहीं उस समय आज जिसका नाम प्रयागराज हुआ है उस समय अलाहाबाद था तो वहां पर पंडित नेहरू जी वहां वहां के थे और वहां अलाहाबाद के नगर नियम निगम के वो अध्यक्ष थे उस समय एक प्रकार के महापौर थे और वहां पर भी पैट्रिक गिडेस का उनके साथ परिचय हुआ और पंडित नेहरू जी ने भी पैट्रिक गिडेस को वहां आमंत्रित किया था कि नगर नियोजन के लिए वो कुछ सहयोग अलाहाबाद के नगर नियोजन में करे तो पैट्रिक गिडेस जी का ऐसा परिचय हुआ था जैसे वो कोलकाता में पहुंचे तो वहां पूर्व परिचय उनका जगदीश चंद्र बसु के साथ था ही लेकिन आगे चलकर स्वाभाविक जगदीश चंद्र बसु के मित्र आचार्य रविंद्रनाथ ठाकुर उनके साथ भी उनका परिचय हुआ और शायद हम सब योग जानते होंगे कि उनकी भी मित्रता इतनी बड़ी आगे चलकर बन गई कि विश्व, निके, विश्व शांति निकेतन जो एक अलग प्रकार का वैश्विक विश्वविद्यालय आचार्य रविंद्रनाथ जी के साथ द्वारा प्रारंभ हुआ उसके निर्माण में भी पैट्रिक गिडेस की बहुत बड़ी भूमिका रही उसका नियोजन करने में वहां पर कौन से विषय सिखाए जाने चाहिए इस प्रकार की भी कई चर्चा रविंद्रनाथ टागोर और पैट्रिक गिडेस के बीच में हुई है और जगदीश चंद्र के साथ तो उनका बड़ा अच्छा परिचय था ही उसको लेकर भी वो आगे बढ़े और एक विशेष बात हुई कि उस समय अपने देश में भी जो देशभक्त इस प्रकार के छोटे छोटे राज्यों के राजा थे उनके मन के अंदर भी एक अपने नगरों को लेकर एक कुछ अच्छी बातें करने की बात आ गई और जैसे वडोदरा के महाराजा थे गायकवाड़ जी उन्होंने पैट्रिक गिडेस को वडोदरा में में आमंत्रित किया और वडोदरा के नगर नियोजन के बारे में उनसे कुछ मार्गदर्शन प्राप्त किया उसी के साथ साथ इंदौर में वहां पर पैट्रिक गिडेश जी को होलकर महाराज जी ने बुलाया और 1916 में पैट्रिक गिडेश जी वहां गए और उन्होंने इंदौर का बहुत सुंदर अध्ययन किया और दो साल के बाद 1918 में उन्होंने एक बड़ा आ, दरबार रिपोर्ट ऐसा उसको कहते हैं 1918 में इंदौर को कैसे हम सुंदर बना सकते हैं इसके बारे में एक बहुत बड़ा एक वृत्तांत पैट्रिक गिडेस ने महाराजा को प्रस्तुत किया उस समय भी एक समानता ऐसी थी कि मुंबई के दृष्टि से ही मुंबई का एक सामने उदाहरण रखते हुए इंदौर भी विकसित हो रहा था आज भी इंदौर एक मुंबई के राह पर चलने वाला नगर माना जाता है और उस समय मुंबई इंदौर मुंबई जैसी इंदौर के अंदर भी कपड़ों के कारखाने शुरू हो गए और वहां पर भी वहां का पर्यावरण बिगड़ता चला गया वहां की जो नदी है वो भी अस्वच्छ हो गई और उसके चलते वहां पर प्लेग की बीमारी भी आज जिस महामारी में हम जूझ रहे उसी प्रकार की महामारी वहां पर भी थी और लगभग एक लाख की जनसंख्या का सम, उस समय का इंदौर वो लगभग खाली होने लगा और इंदौर की जनसंख्या घटते घटते लगभग साठ प्रतिशत कम हो गई और लोगों के अंदर एक स्वास्थ्य बीमारी भी फैल गई और वहां के के महाराजा चाहते थे कि इस इस नगर नियोजन के द्वारा क्या क्या हम इस बीमारी को भी दूर कर सकते हैं तो पैट्रिक गिडेस के द्वारा वहां पर एक योजना प्रस्तुत की गई और महाराजा ने स्वयं पैट्रिक गिडेस को उसका क्रियान्वयन करने के लिए वहां पर आमंत्रित किया आप शायद एक बड़ा प्रयोग जानते होंगे कि एक अनिल कपूर जहां पर जिसमें नायक है ऐसी एक फिल्म है आ, नायक इस नाम से ही है और हम सब जानते हैं भ्रष्टाचार के कारण एक नवयुवक जिसका जिसकी भूमिका अनिल कपूर जी ने की है तो वो ऐसे कहते थे कि कुछ समय के लिए मुझे आप मुख्यमंत्री बनाइए मैं इस पूरे भ्रष्टाचार को निपटा लूंगा तो पैट्रिक गेडस ने एक अलग पद्धति से यही प्रयोग उन्नीस में उन्होंने किया इंदौर में और महाराजा को ऐसे बताया कि दो दिन के लिए मुझे इस इंदौर राज्य स्टेट का राजा बनाइए उस समय आप भी मेरे प्रजाजन होंगे तो पैट्रिक गिडेस ने लेकिन उसकी पूर्व तैयारी बहुत सुंदर की दीपावली का समय आ रहा था और उसके पूर्व पैट्रिक गिडेस ने इंदौर में बहुत सुंदर तैयारी की झांकियों की यात्रा निकालने का विचार उन्होंने किया और दीपावली में हर परिवार तो अपने अपने घर को स्वच्छ करता है सुंदर बनाता है हम आगे अपने घर के अंदर साज सज्जा भी करते हैं रंगोल भी करते हैं तो ये सारी बातें ध्यान में रखकर पैट्रिक गिडेस ने एक बृहत योजना बनाई और इंदौर के अंदर दीपावली के प्रथम दिन एक झाक्यों की सुंदर यात्रा उन्होंने की और हम सब जानते हैं कि प्लेग के मूल अभी जैसे ये चमगादड़ या बैट को हम मानते हैं कि इस कोविड को जिसने हमें दिया है मनुष्य को तो उस समय ये जो चूहे थे वो प्लेग के कारण माने जाते थे और उन्होंने पैट्रिक गिडेस ने इन चूहों का बंदोबस्त करने के लिए उनसे मुक्ति पाने के लिए कई योजना बनाई जो प्रकृति के साथ समन्वय के रूप में सामने लाई ये भी एक बहुत बड़ी विशेष बात ध्यान में रखनी चाहिए और उन्होंने एक बड़ा एक जिसको चूहा उस झाकी उसकी बनाई और हम सब जानते कि श्री गणेश जी का वाहन ये मूषक है तो मूषक की एक बड़ी झांकी बनाई और उसको लेकर वो चले नगर वासियों को साथ में लिया और उसके कारण सारा इंदौर बदल गया आज भी हम जानते हैं कि गए तीन वर्ष में इंदौर ने स्वच्छता की दृष्टि से हैट्रिक की है अपने देश का सबसे स्वच्छ शहर सुंदर शहर इस नाते इंदौर को ही सम्मान मिला है तो उसी पद्धति से 1918 में पैट्रिक गिडेस ने यह पहल पहली बार की थी और उसके कारण प्लेग की बीमारी लगभग 30 प्रतिशत एक ही इस छोटे प्रयोग के कारण वहां पर ये इसमें कमी दिखाई दी लोग वापिस इंदौर में आने लगे इंदौर का एक समृद्धि का जो एक माहौल था फिर फिर एक एक प्रकार से फिर बनने लगा तो इस प्रकार की नगर नियोजन के के कारण क्या स्थिति आ सकती है इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण गिडेस द्वारा वहां पर प्रस्तुत हुआ और विज्ञान भारती के द्वारा वहां पर अठारह उन्नीस ये वर्ष मनाया गया इंदौर में एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का भी रीविजिटिंग पैट्रिक गिडेस इस शीर्षक के द्वारा हमने एक वहां पर संगोष्ठी की और वहां पर ऐसे ध्यान में आया कि आज भी इंदौर नगर नियम के जो अधिक नगर नियोजन के जो अधिकारी है नगर निगम के वो आज भी पैट्रिक गिडेस ने जो प्लान बनाया था उसी की पूर्ति करने में लगे हैं क्योंकि आज भी वो मानते हैं उसकी प्रासंगिकता इतनी विशेष है कि इंदौर और भी अधिक स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सकता है अगर पैट्रिक गिडेस के प्लान में जो बातें अधूरी रह गई है उसको आज आज हम पूर्ण कर पाए इंदौर भी एक सुंदर शहर आगे और अधिक विकसित हो सकता है इस बात को लेकर वहां नगर निगम के अधिकारी योजना बनाने में अब व्यग्र और व्यस्त हैं तो हम समझ सकते कि सौ साल के बाद भी पैट्रिक गिडेस के नगर नियोजन की प्रासंगिकता कितनी है और हम शायद जानकर बड़े आश्चर्यचकित होंगे कि पैट्रिक गिडेस ने भारत के लगभग तीस शहरों के बारे में एक नगर नियोजन किया और जैसे मैंने पहले बताया कि एडिनबर्ग को जब उन्होंने बहुत ही सुंदर पद्धति से रूपांतरित किया एक विद्रूप शहर सुंदर शहर बन गया और उनकी एक बड़ी विशेषता यह मानी जाती है कि आजकल हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होलिस्टिक अप्रोच या इंटीग्रेटिव अप्रोच की बात करते हैं तो पैट्रिक गडेस एक ऐसे बड़े विद्वान और बड़े ही विशेषज्ञ थे कि जिन्होंने ये जो इवोल्यूशनरी अप्रोच है इवोल्यूशनरी थियोरी है

तो हम समझ सकते हैं कि उसकी प्रासंगिकता कितनी बड़ी है तो इस प्रकार का उन्होंने एक भारत में जो अध्ययन किया उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही एक विशेष ग्रंथ इस नगर नियोजन के बारे में लिखा है और उसमें इनकी जो समन्वय की दृष्टि उसके शीर्षक से हम सबके सामने आती है उसका शीर्षक है उस पुस्तक का जो आप इंटरनेट पर पीडीएफ सारी देख सकते हैं सिटीज इन इवोल्यूशन और उन्होंने उसमें जो एक इंटीग्रेटिव अप्रोच है होलिस्टिक एक कल्पना जो की उन्होंने समग्रता की समन्वय की यानी एक नगर नियोजन और एक क्रम विकास का सिद्धांत तो दो अलग अलग धारा है उनको एक कैसे किया जा सकता है तो इस प्रकार की एक बहुत बड़ी बात हाउ ही कुड इंटीग्रेट एपरेंटली डाइवर्जेंट थियरीज और स्ट्रीम्स ऑफ साइंस एंड ही कुड कॉन्वर्स देम एट वन प्लेस इट्स अ वेरी अमेजिंग एस्टोनिशिंग थिंग तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार की बात उन्होंने की होगी और ये सिटीज इन इवोल्यूशन ये पुस्तक केवल भारत के बारे में नहीं है तो उन्होंने पूरे विश्व के लिए एक बड़ा सिद्धांत प्रस्तुत किया और हम सब जानते हैं उस समय भी एक नव की अपेक्षा से आकांक्षा से वहां पर आगे बढ़ रहा था और एक मरुस्थली में ये जू लोग जाकर पूरे विश्व के अलग अलग देशों से वहां जाकर रहना उन्होंने प्रारंभ किया और एक कल्पना की कि उनका स्वयं का देश जो लगभग 1800 साल पहले छोड़कर चले गए जिस भूमि से उस भूमि में वापिस जाएंगे और पैट्रिक गिडेस ने ये जो सारी बातें की थी वो सारी बातें ये जो जू लोग थे जो अमेरिका से वहां पर गए थे उनको ध्यान में आई यूरोप से भी गए थे उनको ध्यान में आई और उन्होंने पैट्रिक गिडेस को इसराइल का पहला नगर तेल अविविस्नाते जानते हैं हम उसको प्रसिद्ध है विश्व प्रसिद्ध है और आज भी पूरे विश्व में वन ऑफ द बेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड पीपल दे लुक एट तेल इन दिस मैनर तो इस तेलू का भी पूरा नगर नियोजन यानी उसका पहला एक पत्थर भी पैट्रिक गिडेस ने रखा उसके भी कुछ चित्र उपलब्ध है आज की उस मरुस्थली में पैट्रिक गिडेस वहां के लोगों के साथ कैसे पहुंचे 1906 में और उसके बाद उसका नियोजन कैसे उन्होंने प्रारंभ किया और विश्व की एक बड़ी सुंदर नगरी इस नाते उस मरुस्थली के अंदर जिसका निर्माण किया गया तो पैट्रिक गिडेस उसके निर्माता है हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार की बातें पैट्रिक गिडर्स ने की होगी भारत के अंदर जो और एक विशेष बात उन्होंने की वो ऐसी थी कि उन्होंने टेंपल टाउन्स इन इंडिया इसका एक विशेष अध्ययन किया जिसमें मदुरई और अपना वाराणसी इसके बारे में बड़ा सुंदर अध्ययन है मदुरई के बारे में तो बहुत ही विशेष अध्ययन उनके द्वारा हुआ है और उन्होंने ऐसे एक बहुत ही सुंदर वैज्ञानिक प्रस्तुति की है कि भारत के लोगों ने मंदिर को केंद्र बनाकर अपने नगरों का निर्माण किस प्रकार से किया है तो बहुत ही एक सुंदर इस प्रकार की कल्पना जिसका शायद भारत के लोगों ने पूर्व के लोगों ने बहुत ही विचार करके इसका निर्माण किया होगा लेकिन वर्तमान में जब हम पश्चिमी जगत की विकास के कारण अपनी आंखें चकाचौंध हुई थी और हम मान रहे थे कि पश्चिमी जगत ही सबसे विकसित उस समय में एक इंग्लैंड का ही व्यक्ति आकर यहाँ पर भारत के नगर नियोजन के बारे में अध्ययन करता है और भारत में जो नगर के, मंदिर केंद्रित नगर का निर्माण किया गया उसके बारे में एक बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक अध्ययन उन्होंने प्रस्तुत किया तो एक बहुत ही बड़ी विशेष बात है ये तो भारत के अंदर उन्होंने टाउन्स इन इंडिया इसका एक बहुत बड़ा विशेष अध्ययन किया विज्ञान के आधार पर और कई प्रकार की बातें उन्होंने उसमें प्रस्तुत की पैट्रिक गिडेस ने अपने नगर नियोजन में तीन बातों का विशेष रूप से आधार बिंदु मानकर अपना विचार रखा सिद्धांत रखा उसमें प्लेस वर्क एंड फोक ऐसे तीन विशेष शब्द जो अंग्रेजी है उन्होंने लाए थे प्लेस का मतलब है कि जिस भौगोलिक परिवेश में इस नगर का निर्माण होने जा रहा है उस भौगोलिक परिस्थिति को ठीक समझना चाहिए भूगोल का मतलब है केवल अक्षांश रेखांश नहीं तो वहां की जलवायु के बारे में भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए तो ये एक बड़ा एक बिंदु आधार बिंदु था दूसरी बात थी कि वहां के लोग कैसे है? उनकी पूर्व की मान्यताएं क्या है क्या संस्कृति है उनके व्यवसाय किस प्रकार के हैं, तो इसका भी विचार नगर नियोजन के अंदर करना चाहिए और जैसे बताया कि व्यवसाय के बारे में और वहां की ये जो सांस्कृतिक परिवेश है वहां का इस इतिहास वहां की सारी विशेष बातें इस प्रकार की बातें भी वहां आनी चाहिए आज भी अपने देश में जब ये आ, आ, एक बहुत स्मार्ट सिटीज के बारे में कल्पना आई तो अपने देश में भी एक बात आई कि वी नीड टू मेंटेन दी कल्चरल सिग्नेचर ऑफ ऑल दी सिटीज इन इंडिया इस प्रकार की बात सामने आई पैट्रिक गिडेस में पैट्रिक गिडेस जी ने पूर्व में ही इस बात का विचार किया था और उन्होंने ये एक भौगोलिक परिवेश वहां के लोग और वहां का सांस्कृतिक परिवेश इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए नगर नियोजन कैसे करना चाहिए इसकी एक वैज्ञानिक पद्धति विकसित की तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार का विचार उन्होंने किया था और इसी बात के कारण उनके उनका शिष्य संप्रदाय बढ़ता चला गया लुइस ममफोर्ड नाम के लगभग 1940 30 और 40 और उसके बाद 1960 तक अमेरिका के नवनिर्माण में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रही जैसे न्यूयॉर्क जैसे बड़े नगर का निर्माण नियोजन जिनके द्वारा किया गया ऐसे लुइस मम्फोर्ड ऐसे पैट्रिक गिडेस के साथ उनका एक प्रकार से शिष्यत्व स्वीकार किया और पैट्रिक गिडेस के सिद्धांत को नगर नियोजन में लाने का बहुत ही सुंदर एक पद्धति का विकास वहां पर उन्होंने किया और विश्व में ऐसे कितने सारे लोग हैं और ये हम जानते हैं कि अर्थ डे की विशेषता क्या है कि उन्नीस में अर्थ समिट पहला रियो रियोद्राजील में ब्राज़ील में हुआ था और उसमें सबसे बड़ी एक जो मार्गदर्शक सूत्र की बात वहां पर विश्व के लिए दी गई वो चार शब्दों की थी थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल इस प्रकार का एक मार्गदर्शक सूत्र उस अर्थ समिट में पूरे विश्व के लिए दिया गया तो हम समझ सकते हैं कि उसका प्रत्यक्ष व्यावहारिक रूप यानी उसका प्रत्यक्ष जीवन में उपयोग उपयोजन कैसे करना इसका मानो एक उदाहरण ही पैट्रिक गिडेस के द्वारा उसके पूर्व में ही प्रस्तुत किया गया था तो उसके बाद पूरे विश्व में फिर एक बार पैट्रिक गिडेस के सिद्धांतों को उनकी कल्पनाओं को समझने का बहुत बड़ी मात्रा में दौर शुरू हो गया और आज हम आज जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं तब ये उनका वहां पर जो सिद्धांत कल्पनाएं इनका सारा जो विचार उन्होंने जो किया था उसकी प्रासंगिकता और ही बड़ी अच्छी प्रकार से पूरे विश्व के सामने आ रही है और एक विशेष बात मैं उल्लेख करके आगे बढ़ूंगा कि उस समय बहुत बड़ा विचार भारत में चल रहा था कि भारत में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना होनी चाहिए जिसका मैंने उल्लेख जमशेद जी टाटा और स्वामी विवेकानंद जी के इस मिलन में जो बातें आई थी उसमें किया था तो हम जानते हैं कि 1902 में स्वामी विवेकानंद जी ने इस इसलोक का त्याग किया और 1904 में जमशेद जी टाटा जी का भी मृत्यु हुआ तो उसके बाद भगनी स्वामी विवेकानंद जी की ओर से और दोराब जी टाटा जमशेद जी टाटा टाटा परिवार की ओर से सामने आए दोनों ने समन्वय करते हुए 1908 में इस प्रत्यक्ष संस्था का प्रारंभ किया तो उसमें और एक बात सबके सामने अब आई है कि जमशेद जी टाटा और निवेदिता के बीच में कुछ चर्चा हुई थी और उसमें से एक बात जमशेद जी ने बताई थी कि एक पूरे विश्व में जितनी सारी इस प्रकार के विश्वविद्यालयों की निर्मित हुई है उनका अध्ययन करके इस अपने देश के प्रथम विश्वविद्यालय के निर्मिति में अगर कुछ मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो सकता है तो उसकी बहुत बड़ी उपयोगिता रहेगी तो भगिनी निवेदिता ने पैट्रिक गिडेश जी को पत्र लिखकर मार्गदर्शन करने की प्रार्थना की थी और पैट्रिक गिडेस ने भगिनी निवेदिता को पांच पत्र इस संबंध में लिखे और भारत में जो पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का निर्माण हुआ उसकी निर्मित में कौन सी बातों का विचार करना चाहिए इसका बड़ा मार्गदर्शन बहुत सुंदर मार्गदर्शन है वो भगिनी निवेदिता को पांच पत्र लिखकर पैट्रिक गिडेस जी ने किया तो हम सब जानते हैं कि पैट्रिक गिडेस इनके साथ जुड़े थे आचार्य जगदीश चंद्र बसु जी के साथ बराबर सौ साल पहले उन्होंने उनकी प्रथम बार जीवनी लिखी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कैसी बने उसके बारे में भी मार्गदर्शन किया रविन्द्रनाथ ठाकुर ने जो विश्व शांति निकेतन वहां पर स्थापित किया है तो उसमें भी उनकी बहुत प्रमुख भूमिका रही उसके निर्माण में उसके नियोजन में और इस कई प्रकार की ऐसी बातें हम ध्यान में ले सकते हैं और, और एक बात विशेष यहाँ मुझे बतानी आवश्यक है कि 1900 लगभग 19 में ये जो सेटल वार्ड वहां के मुंबई के कुलपति थे उन्होंने पैट्रिक गिडेजी जी को आमंत्रित किया और पैट्रिक गिडेजी जी को कहा कि आपका ये जो सोशल साइंस का विषय है, उसका प्रारंभ मुंबई विश्वविद्यालय में करना चाहिए और 1919 में पैट्रिक गिडेस के द्वारा अपने देश का प्रथम सोशल साइंस डिपार्टमेंट का प्रारंभ किया गया मुंबई विश्वविद्यालय के अंदर सोशल साइंस और सिविक स्टडीज यानी उन्होंने नागरिक शास्त्र नागरिक विज्ञान जिसको कहते कि नागरिकों का अधिकार क्या है उनकी उनका दायित्व क्या है इसके बारे में बड़ा एक सिविक्स जिसको कहते हैं कि उसको भी पैट्रिक गिडेस ने सोशल साइंस के साथ जोड़ा था तो पैट्रिक गिडेस अपने देश में सोशल साइंस का प्रारंभ करने वाले एक बहुत बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं उन्नीस से उन्नीस सौ दस साल 1914 से 1924 तक भारत में रहे लेकिन अंतक ये पांच साल मुंबई विश्वविद्यालय के सोशल साइंस डिपार्टमेंट के हेड इस नाते पैट्रिक गिडेज जी ने काम किया तो इस बात को भी हम समझ सकते हैं कि गत वर्ष अपने देश में सोशल साइंस का डिपार्टमेंट शुरू होकर सौ वर्ष पूरे हो गए थे तो हम समझ सकते हैं कि पैट्रिक गिडेस का अपने देश के लिए भी कितना बड़ा योगदान बहुत बड़ा उन्होंने किया है इसको भी ध्यान में रखना चाहिए पैट्रिक गिडेस यहाँ से वापिस गए लेकिन ये सारी बातें यहाँ पर स्वाभाविक रीति से रही और आज विश्व में एक जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स की बात हो रही है तो पैट्रिक गिडेस की सारी बातों को फिर एक बार समझने का उनके बताए गए सिद्धांतों का आकलन फिर एक बार करने का दौर प्रारंभ हुआ है और मुझे लगता है कि अपने देश में भी इस प्रकार का विचार शुरू होना चाहिए विज्ञान भारती ने इसमें पहल की है और आगे बढ़ने का विचार किया है तो आज मैंने सोचा कि मौके पर लगभग साढ़े चार बजे बात हुई कि आज कुछ तो विषय होना ही चाहिए सबके सामने तो मैंने विचार किया कि ये जो बात जो थोड़ा अध्ययन मैंने किया जिसके द्वारा इतनी सारी जानकारी मुझे प्राप्त हुई वो आपके सामने प्रस्तुत करने का विचार मैंने किया ये अवसर विज्ञान भारती के कारण मुझे मिला और आप सभी ने भी बड़े संयम से अचानक ये फिर एक बार मेरा चेहरा आपके सामने आया तो भी आपने सुनने का कष्ट किया इसलिए आपका फिर एक बार अभिवादन करते हुए मैं यहाँ रुकता हूं धन्यवाद